भारत का ये पांचवा बड़ा धाम है बालाजी रुक्मिणी मंदिर। तो यहाँ पे बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं। तो अभी हम इस मंदिर में एंटर होने वाले हैं क्योंकि बहुत अच्छा फेमस मंदिर है और भारत का पांचवा धाम होने के कारण बैतूल में इसके यहाँ पे मध्य प्रदेश से तो लोग आते हैं लेकिन और स्टेट से भी लोग यहाँ पे आते हैं। तो अभी हम अंदर जाने वाले, जैसे हम एंटर होते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमें शंकर जी के दर्शन होते हैं और वाटरफॉल भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी हम मंदिर के अंदर जाएंगे और बहुत ही सुंदर मंदिर है दोस्तों, तो चलिए। लेकिन प्रेम से बोलो जय बालाजी मंदिर, यहाँ पे एक स्लोगन भी बहुत फेमस होता है। कितना विशाल मंदिर है, कितना सुंदर है, ऐसा लग रहा है कि गोल्डन टेम्पल लग रहा है। वैसे भी बालाजी जो देवता होते हैं उनकी एक विशेषता ये होती है कि वो धन को देने वाले देवता होते हैं, इसलिए उनका जो मंदिर है ये तो पूरा सोने का बना हुआ लगता है। लेकिन जैसे आप रुक्मिणी बालाजी मंदिर पर जाते हैं तो ऐसा लगता है यहाँ पे जो भी कन्या है वो हमारा स्वागत कर रही है। यहाँ पे हिमालय जैसा पहाड़ हमको दिखाई देता है और सामने ये बालाजी का मंदिर दिखाई देता है, तो मन ऐसा हो जाता है कि एकदम खुशी से भरा हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि हम स्वर्ग में आ गए क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही मन को भाता रहता है। हमारे जन्मपत्री में 9 ग्रह होते हैं जैसे राहु, मंगल, चंद्र। तो यहाँ पे अगर आपका कोई ग्रह बिगड़ा हुआ है, अगर आप भगवान के दर्शन करते हो तो आपका जो ग्रह है उसकी जो निगेटिव एनर्जी है वो भाग सकती है दोस्तों, क्योंकि भगवान के दर्शन करने से आपकी जितने भी ऊपर जो निगेटिव एनर्जी है वो आपसे निकल जाएगी। इसलिए दोस्तों जरूर आए। और मंगल, जिसका मंगल ग्रह कमजोर है या चंद्र ग्रह या राहु ग्रह या शनि ग्रह, तो यहां से आपको सुकून मिल सकता है। बालाजी पुरम के मंदिर में एंटर होते तो यहाँ पे नौका विहार, सिर सागर विहार, ऐसे बहुत सारे विहार बने हुए। तो अभी हम त्रिकुण धाम में जाने वाले हैं और वो हम आपको दिखाने वाले क्योंकि ये मुख्य स्थान है दर्शन करने के लिए। यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हो, बोटिंग के जो चार्जेस है बहुत कम है, 35 रुपए में सिर्फ आप बोटिंग कर सकते हो, 70 रुपए में आना जाना प्रति व्यक्ति का भी चार्ज यहाँ पे लिखा है। पर्सनल अगर आपको नौका लेना है तो 175 रुपए में ही आपको मिल सकती है। और पूरा जो खर्चा आता है अगर आपको VIP ट्रीटमेंट चाहिए तो सिर्फ 300 रुपए में मिल सकती है दोस्तों। तो अभी हमने 25 रुपए की टिकट ली है और अभी हम अंदर जाने वाले सिर सागर में, देखते हैं क्या है सिर सागर में, चलिए। जैसे आप सिर सागर से जब आप समुद्र से बाहर निकलते हो, यहाँ पे बहुत सारे पंछी है, आप इनके साथ खेल भी सकते हो। देखो कितना अच्छा है, वाओ कितना स्वीट है, वाओ ब्यूटीफुल, ये बहुत अच्छे अच्छे पंछी यहाँ पे है। वैसे देखा जाए तो पंछी को पिंजरे में बंद करना ये अच्छा नहीं है, फिर भी यहाँ पे पर्यटक के हिसाब से लोगों ने यहाँ पे इनको रखा हुआ है। मुझे पसंद नहीं आता है पंछी को कैद करना, उनको फ्रीडम देना चाहिए, फिर भी वो स्वीट स्पॉट है, हमें उसका एंजॉय लेना चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वाओ जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हम तो लग रहा है महाभारत के सीन में आ गए, पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। चलिए जैसे आपके बालाजी के दर्शन हो जाते हैं तो यहाँ पर एक गुफा है, और एक गुफा भी कैसे बनी हुई पता है आपको, ये जो अजगर बना हुआ है और उसके अजगर के मुंह के अंदर हमको जाना होता है और अंदर जाकर वहां पे पानी भी होता है, एक डरावनी चीज होती है। तो देखने के लिए बहुत ही विशेषता है, अभी हम देखेंगे कि अंदर क्या है और कौन सी विशेषता है कि इतनी सारी भीड़ लगी हुई। चलो जल्दी से, बहुत एक्साइटमेंट है, क्या है अंदर देखने वाले। अभी हम शेषनाग गुफा में जाने वाले हैं और एक गुफा बहुत ही डरावनी है मेरे ख्याल से, तो चले हम आपको अंदर से गुफा दिखाने का प्रयास करते हैं। चले जल्दी से जल्दी से जल्दी से,
आ जाओ देखते कैसे गुफा है। वाओ यहाँ तो पानी भी है। अंदर जैसे जैसे जा रहे हैं वैसा थोड़ा सा डर लग रहा है हमें, इतने अंदर तो जाना पड़ेगा। और दोस्तों ये जो समय ठंडी का मौसम चल रहा है और इस ठंडी में गुफा के अंदर जब हम आए हैं तो बहुत ही ऐसा ठंडा हमें लग रहा है, तो चले जल्दी से। आपको कैसे लग रही है गुफा हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। चलो और भी सारे देवी देवता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी हम भगवान जी के दर्शन करके गुफा के बाहर निकल चुके हैं, बहुत अच्छा मिल रहा है, सुकून मिल रहा है। तो ऐसा कुछ नया हमें देखने को मिला है बालाजीपुरम में, आप भी जरूर आए और गुफा में जाने का ना भूलिए। और आज हम जानेंगे कि आप वीडियो को लाइक और शेयर क्यों नहीं करते। अगर आपको अच्छी मिला तो इस वीडियो को जरूर देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबा देना। समझ में आया दोनों क्या चाहते हैं? आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।